हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई की तरह गाजर का हलवा, वो भी घर पे। इसमें मैंने ज़्यादा दूध का यूज़ नहीं किया है, बहुत कम ही सामान यूज़ किया है, जिसमें हम बहुत अच्छा हलवा घर पे बना सकेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 500 ग्राम गाजर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है छोटी कटोरी से 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी मिल्क पाउडर, 2 चम्मच घी, और यहाँ पे मैंने लिया है किशमिश, काजू, पिस्ता, इलायची और केसर। केसर ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें वरना आप इसे स्किप कर दें। और मैंने लिया है यहाँ पे 1 लीटर दूध, हमें रॉ मिल्क का ही यूज़ करना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। सबसे पहले मैंने एक पैन में थोड़ा सा पानी डाला है, उसमें मैंने ये 1/2 लीटर दूध डाला है जिसका हम इंस्टेंट मावा बनाएंगे। तो उसमें मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड किया है छोटी कटोरी से 1 कटोरी, और इसे अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। उसके बाद इसे हम कंटिन्यू बॉयल करेंगे और अच्छे से साइड से मिलाते जाएंगे ताकि साइड में मलाई जमा ना हो। तो हमारा दूध उबलना शुरू हो गया और ये काफ़ी हद तक गाढ़ा होता जा रहा है। तो अब देखिए, इसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है दूध, जो कि हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे हलवे के ऊपर। ये हमारा रबड़ी बन गया है, तो इसे मैंने 2 चम्मच निकाला है। उसके बाद हमारा जो भी मावा बना है उसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे ताकि वो मावा पैन से बिल्कुल अलग हो जाए और काफ़ी रिच दिखे। मावा बिल्कुल तैयार है। अब मैंने एक पैन में 1 चम्मच घी डाला है, उसमें अपने जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको डालेंगे और रोस्ट कर लेंगे। मैंने किशमिश को डाल दिया है, पर आप किशमिश को लास्ट में डालकर निकालें क्योंकि किशमिश जल्दी जल जाता है। और इसे हम गोल्डन ब्राउन से थोड़ा सा कम पकाएंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने प्लेट में निकाल लिया ड्राई फ्रूट्स, और अब हम एक पैन लेंगे और इसमें हम गाजर डालेंगे। इसमें हमें घी, ऑयल कुछ भी अभी नहीं डालना है, सिर्फ इसमें हम गाजर डालेंगे और इसे अच्छे से ढक के 10 मिनट पकाएंगे। तो मैंने इसे ढक लिया और इसे हम 10 मिनट ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए आप लोग, गाजर हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम ये 1/2 लीटर कच्चा दूध ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करके ढक करके पकाएंगे ताकि ये दूध में ये गाजर अच्छे से पक जाए। दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। ये देखिए, इसमें से दूध अब सूखना शुरू हो चुका है। तब इस स्टेज पे हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। मैं चीनी कम यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मीठा कम पसंद है। आप अपनी मर्जी से मीठा कम या ज्यादा कर सकते हैं। और चीनी को मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद इसमें हम लास्ट में डालेंगे घी। घी हमें बिल्कुल लास्ट में यूज़ करना है क्योंकि हम पहले घी यूज़ करते हैं तो घी पानी के साथ निकल जाता है। हलवाई इसी ट्रिक से अपना गाजर का हलवा तैयार करते हैं और मैं आप लोगों के साथ वही रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है और इसमें मैंने इलायची भी डाल दिया था। अब इसमें हम डालेंगे अपना मावा जो हमने घर पे ही बनाया है, और इसे इसमें अच्छे से करेंगे मिक्स और हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे
और जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है जो कि फ्रूट्स है हमारे पास, इनको हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। सबसे पहले हमने एक बोल में गाजर का हलवा निकाला है और उसके बाद इसके ऊपर मैंने ये जो दूध में से रबड़ी निकाला है, इस रबड़ी को डालेंगे। और उसके ऊपर हम डालेंगे ये मावा जो मैंने बचाया हुआ था। और मैंने केसर में थोड़ा सा गर्म दूध डालकर रख दिया था और इस केसर के पानी को हम इसमें डाल देंगे और ऊपर से केसर डाल देंगे कि ये बिल्कुल मार्केट जैसा दिखे और बहुत सुंदर दिखे। और उसके बाद हम इसमें काजू पिस्ता डालकर इसे पूरा गार्निश कर लेंगे। हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।